हेलो गाइस, कैसे हैं? और आज है हमारा हैदराबाद में तीसरा दिन। रात को मुशायरा हुआ था, रात को बारिश भी आ गई, सुबह सब ऐसे ही हुए। मुशायरे में तो शूट नहीं कर पाते ज़्यादा, एक दो क्लिप डाल लिया हमने, देखी होंगी। तो अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए नीचे, और आज रात की हमारी ट्रेन है तो ट्रेन में बैठेंगे, परसों सुबह फिर पहुँचेंगे दिल्ली। सो करीब करीब एक हफ्ते का ये सफ़र रहा हमारा यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हैदराबाद का, हैदराबाद से बहुत प्यार मिला। आरिफ शफी भाई के घर में बहुत ही खातिरदारी हुई है। एक इंसान होता है ना कि किसी को देख के खुश होता है, तो वो इंसान है कि चाहते हैं कि हमारे पास कोई रहे, आए बैठे बातें करे। ऐसे इंसान आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं। अल्लाह इनको खुशियाँ दे, बरकत दे। तो गाइस, नाश्ता हो गया है और आज तबीयत कुछ गड़बड़ हो रही है, और अपने आकाश भाई भी बैठे साथ में। गुड मॉर्निंग गाइस, भाई भी बैठे हैं। तो भाई ने मुशायरा पढ़ा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सही शायर है, बहुत संदीदगी से साथ अपने कलामे को पेश करते हैं। और इन भाई साहब को तो जानते ही हो आप, कल आपसे तारुफ कराया था इनका, नाम ही लेना नहीं, वही संतरा बस। तो अभी घूमने के लिए जाएंगे किले में, अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, फिर आप लोगों को दिखाते आगे किले में। समझ रहे हो, किले में इन भाई के साथ जाएंगे हम, बता रहे हैं वहाँ पर इनका है, जिस चक्कर में बोल रहे थे ना, वहाँ पर है वहाँ पे वही बगान है, वहाँ से ये कह रहे हैं वहीं से मैं डिलीवरी करा दूँगा आप लोगों की। सो गाइस, अभी निकल रहे हैं यहाँ से किले के लिए घूमने के लिए, और सभी नीचे चले गए हैं, मैं ही बचा हूँ ऊपर। मैं भी नीचे की ओर जा रहा हूँ, और ये वही पक्षियों का घर। तो अभी किले से पहले एक स्टॉपेज ले लिया हमने, आरिफ भाई के ऑफिस पे आ गए, उनका ग्लासेस का काम है, तो ऑफिस देखने आ गए थे। यहाँ रुके हैं अभी, ये है भाई फ्रेंड्स ग्लास वर्ल्ड के नाम से, और ये है अंदर कारखाना पूरा। ये देखो ग्लासेस का काम है भाई का पूरा। ये ग्राइंडिंग की मशीन है, ये ग्लासेस है, ये सभी मुआइना ले रहे हैं। ये सब डिज़ाइन वगैरह यहीं बनते हैं इनके यहाँ पे भाई। ये देखिए सारा पेंटिंग पेंट वगैरह का सारा डेस्क है, उधर ग्राइंड के लिए रखा हुआ है ग्राइंडर। तो ये भाई हैं सभी जो काम करते हैं यहाँ पे। आरिफ शफी भाई तो गए हुए हैं कहीं, हैं नहीं यहाँ पे, तब हम लोग निकल रहे हैं। सो गाइस, पहुँच गए हैं किले पे। सो गाइस, ये है किला, इसको अभी देखने के लिए आए हैं। तो अभी सब अंदर जा रहे हैं, वहाँ से एंट्री होगी इसकी। कुतुब शाह हेरिटेज पार्क है ये, तो इसमें 7 गुंबद है ये, एक एक करके देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे से 7 बने हुए हैं, इसमें 3 ये हैं, और अगर इधर देखते हैं तो एक ये है, आपको गुंबद दिखाऊंगा मैं भी। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, इसको रेनोवेट किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो गई है ये। तो यहाँ घूम रहे थे तो एक भाई मिले हमें, ये आदिवासी हैं, इनको हमारी भाषा तो आती नहीं है, लेकिन इनको जो इनकी जो लैंग्वेज है वो हम सुनना चाहेंगे। आप बात आप शायद आप समझ लो। तो कैसे हैं सर आप? समझ आई? ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं आप, और मैं नींबू लेके आपके घर आऊँगा, निम्बरा निम्बरा, ये वाला गाना सुना इन्होंने, हम दिल दे चुके सनम वाला, कि निम्बूड़ा निम्बूड़ा निम्बूड़ा। तो मिलते फिर आगे इनसे और पूछते। तो आप यहाँ कैसे आ गए हैं? निम्बरा के हरोले निम्बरा। ये कह रहे हो जो नींबू महंगे हो गए ना दुनिया में, अभी आपको पता ही है तेज़ी चल रही है नींबू की, तो ये वो नींबू बेचने आए हैं यहाँ पे। कह रहे हमारे वहाँ पे बहुत पेड़ों पे लगे हुए, आदिवासी हैं ना हम, तो जंगल में बहुत लगे हुए थे, हम बाहर शहर में बेचने आए क्योंकि सबको घर चलाना है। तो पूछना चाहूँगा आपके आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? निम्रचा। हाँ, कह रहे जितनी तुम्हारी पाबंदी ना उतनी तो हमारी शुरुआत होती है, तो ये 4 से इनकी शुरुआत है, 10 तक चले जाते हैं इनके बच्चे, तो बस यही है। तो देखा आपने कैसा लगा, आप कमेंट में बताइएगा इस भाई से मिलके, और आगे दिखाते हैं आपको किले के बारे में। तो ये देखिए इसमें एक कुंड भी है, और ये किले के अंदर ही है,
अच्छा कुंड है। तो इसमें सबसे बड़ी वाली गुम्बद यही है, इसमें नीचे से रास्ता बता रहे हैं भाई के, नीचे से ऊपर जाते हैं। मोरा फिल्म की शूटिंग हुई थी ना मोरा। अच्छा मोरा फिल्म की इसमें शूटिंग हुई थी, लास्ट सीन जो है ना फाइट का ही हुआ। ओके, जो मोहरा मूवी शूट हुई थी अक्षय कुमार वाली, उसका लास्ट सीन फाइट हुआ जो है वो यहीं पे शूट हुआ बता रहे हैं। बड़ा ही अच्छा किला है ये वाली गुम्बद सबसे बड़ी है। और कच्चे रहेंगे मत तोड़ो, तो ये है भूत लग जाएगा पूरा, कच्चे रहेंगे पकेंगे तो नहीं। और ये पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं, इधर भी अच्छा बनाया हुआ है। तो इसके नीचे से एंट्रेंस है और ऊपर निकलेंगे, फिर नीचे से जाएंगे। तो ये देखिए इसमें 106 एकड़ में ही 40 ये पूरा मैं इसका ऊपर से व्यू है। और ये है सामने इसकी बड़ी वाली गुंबद सबसे, अभी ऊपर जा रहे हैं इसमें, ये रास्ता जाता है ऊपर। ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले फवारा होता था, सीटें वीटें लगी हुई थी, हैज वगैरह लगाई हुई थी, अब पूरा चेंज कर दिया गार्डन को। तो ये इसमें जेल टाइप में बनाया हुआ है, कुछ बंद कर रखा है शायद इसको अंदर से। अरे वाह, ये बंद है पूरा क्योंकि इसमें आवाज़ आ रही है चमगादड़ की, तो ये बंद कर रखा है बता रहे हैं। ऐसे मेन रास्ता जो था पहले, अच्छा ये ऊपर सामने मज़ार दिख रही है इसमें, यहाँ से था रास्ता लेकिन अभी बंद किया हुआ है यहाँ से। तो ये है पूरा बड़ी वाली गुम्बद के, वहाँ से खड़ा होके मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो ये पूरा नज़ारा है यहाँ किले का, जिस पार्क को मैं बता रहा था कि इसमें पहले फाउंटेन चलते थे, बीच में फाउंटेन की जगह है। और ये इधर गुम्बद है वो जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है वो गुम्बद है। और ये मैं जो बड़ी गुम्बद है उसके बिल्कुल क्या कहते हैं आंगन में खड़ा हूँ, उसके सामने वाले में। और यहाँ से देखो मैं दिखाऊँगा आपको, उधर जाएंगे तो इन्हीं का किला है एक, यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो नेक्स्ट हम वहाँ पे जा रहे हैं, ये अभी रिवील होगा। अभी सामने साहब ही बैठे हैं और वो देखो पहाड़ी पे, पहाड़ी पे जो किला है ये किला, अभी यहाँ पे जाएंगे, ये किला है वहाँ पे। सो गाइज वो किला है, अभी उस किले में जाएंगे और यहाँ से निकल रहे हैं। अब पूरा गुंबद देख लिया है, फ़ोटो वगैरह क्लिक्स कर लिए हैं। सो गाइज ये सफ़र था यहाँ 7 टॉम का, और अब यहाँ से जा रहे हैं किले पे। तो अभी मिलते हैं आपसे किले पे, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से किला, तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं। अभी ड्राइव मुझे ही करना है, चाबी मेरे पास आ गई है गाड़ी की। तो अभी पहुंच गए किला हम सभी, और अभी पी रहे गन्ने का जूस। तो अभी सभी बैठे हैं गन्ने के जूस की वेट में। और मैं भाई जनाब यहाँ पे आपको दिखाते हैं हैदराबाद का वर्ल्ड फेमस गन्ने का जूस, ये कहीं नहीं मिलेगा, गन्ने सारी जगह मिलेंगे, जूस नहीं मिलेगा ये वाला। आप किले पे हैं तो यहाँ पे जरूर आइएगा, ये देखिए कैसे इंतजार कर रहे हैं जूस के लिए। जी जी भाई बहुत प्यास लगी है, पहले ही ऑर्डर दे दिया 4 गिलासों की, यहाँ का ये बहुत फेमस जूस है। तो किले पे पहुँच गए हैं हम, अभी सभी मेरे साथ चल रहे पीछे पीछे, और किले में एंट्री लेंगे अभी। ये कुछ शॉप्स हैं साइड में हमारे जो लगी हुई हैं यहाँ पे किले के एंट्रेंस के पास में, और मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए किले की बाउंड्री, पेड़ लगे हुए हैं बाहर, ये रोड जा रहा है सीधा किले के अंदर, मतलब किले के सामने से अंदर नहीं। और ये है गोलकोंडा किला, गोलकोंडा किला है बोलते इसको, कहते इसमें पहले हीरो का काम होता था जब राजा के टाइम में ना, हीरो का व्यापार होता था इसमें। तो कुछ हर चीज़ के पीछे एक हिस्ट्री होती है, तो इसके पीछे यही है। ये देखो सामने से रास्ता जा रहा है, ये मार्केट लगी हुई है। धूप ज़्यादा हो रही थी तो कैप ले ली है, ये बोले कैप ले लो या आँखों में देखो। ये मैप है इसका पूरे किले का, हमारे वही सस्ते गाइड फिर से आ गए हैं, आप दर्शन करवाते हैं। तो ये हमारा साथ छोड़ते नहीं है जनाब, ये गेट ना बंद होता है रात को, अच्छा दिन में खोल दिया जाता है। और ये लोहे का गेट है, लोहे का गेट है, और ये गेट अभी का नहीं है, 18वीं सदी का है, उस टाइम का जो शुद्ध लोहा होता था उससे बना हुआ। उससे पहले पता है सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का ये जो है, ये है पूरा किला। ये दोनों वही सस्ते गाइड हैं जो आगरा में हमारे साथ थे, मेहमान आते थे और यहाँ पे बैठ के ताश खेला करते थे। ये गांव वाली बैठक है, ये गांव वाली बैठक है। अभी टिकट चेक हो रही है, आकाश भाई मेरे साथ साथ आ रहे हैं,
और इनकी क्लासेस वही चल रही हैं किले में आगे, लेकिन बैच अभी स्टार्ट है। हैदराबाद में भी इनको स्टूडेंट कह रहे हैं सर क्लास लीजिए। ये वही बॉलर है जो बाहुबली वन में जो युद्ध के समय उन्होंने फेंके थे ना, उसमें पर्दा बांध के जिसमें आग लगाई गई थी, ये वही है। युद्ध थोड़ा छोटा हो गया तो गोले बच गए। अरे ये देखो ना, सस्ते गाइड के फायदे। चक्की है अगर आटे की, पुराने जमाने की। ये महल का कमर्शियल एरिया है, इसमें सारी वही कमर्शियल जो चीज़ें हो रही वही हैं। कोई कहीं पे गोले रखे हैं, कहीं पे चक्की है, तो ये सब है। मेरी आंखों पे ऑटोमेटिक चश्मा लग गया शेडो का, तो मैंने आंखों पे पर्दा लगा लिया। हाँ, अगर किसी की आवाज़ आए तो समझ जाना बैच चल रहा है। ये रील के लिए करवा रहे हैं तैयारियाँ, नहीं बनी बात है पूरी नहीं घूमने। ये हमारे जो हमें तैयार कर रहे थे वो फेल हो गए, अब दूसरे कारीगर को बुलाया जो तैयार करेंगे रील के लिए, तो वो भाई बांध दो वही से। किले में ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ आप अगर कुछ आवाज़ करते हैं तो उसकी सराउंडिंग आती है। देखिए यहाँ पे क्लोथ कपड़े का भी आवाज़ आता है। कपड़ा बजाओ, कपड़े का भी आवाज़ आएगा। देखो नहीं, कपड़ा बजाओ, देखो गूंज आएगी पूरी कपड़े में भी। हाँ, तो ये इको साउंड इस वजह से है, इसका कुछ कनेक्शन है यहाँ पे, इससे इको बनती है पूरी। यहाँ पे जो डायमंड कट की यहाँ पे करत है, इससे क्या होती है आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, और दूसरी जगह जाओगे इतनी इको नहीं पड़ेगी जितनी यहाँ बनती है। हाँ, ये कटिंग की वजह से साउंड आ रहा है वापस। तो ये है महल के अंदर एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पे आवाज़ गूंजती है, और बहुत अच्छे अच्छे सीन है यहाँ पे। तो देख रहे हैं अभी हम घूमते स्पॉट कर रहे हैं कहाँ पे क्या है। अभी एक्चुअली क्या है, सूरज भी छुपने वाला है, मतलब सनसेट होने वाला है, और अंदर चमगादड़ बहुत हैं, तो उसकी आवाज़ें देखो आप सुनना। ये देखिए पूरा अंदर से ना आंगन, इसमें अभी भी लाइट शो होता है रात को। ये सारी लाइटें लगी हुई हैं, शो चलता है पूरा, और बड़ा ही प्यारा व्यू है। ये हमारे विवेक भाई खड़े हैं यहाँ पे नज़ारा लेते हुए। सो गाइज, अभी किले का टूर हो गया हमारा पूरा, हम जा रहे हैं घर, तो सभी हम साथ ही हैं। सो बाय, मिलते आगे घर पे जाके। सो अभी घूम के घर आ गए हैं वापस, और अभी यारी भाई खाने की तैयारियां कर रहे हैं। देखो अंगीठी वगैरह लगा रहे हैं, पूरी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे। भाई बारबेक्यू लगाते हैं ऊपर छत पे, पूरा इनका स्पेस है यहाँ पे, तो ये शाम को खुद अपने हाथों से बना के खिलाते हैं खाना मेहमान जब आते हैं। तो आज बना रहे हैं, अभी सुबह हमारे लिए भी दाल भैया ने बनाई थी, बहुत टेस्टी थी, और अभी शाम का खाना बना रहे हैं। तब हम निकल रहे हैं, रामू हमारे साथ जा रही है। हेमू चलें साथ, बाय कर दो मम्मा को। हेमू बाय कर, बाय बाय बाय। और सब हमें छोड़ने के लिए कर दो। अरे भाई यहाँ करो, मुझे यहाँ कर दो किच्ची। अरे वाह, अरे भाई सब छोड़ने जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, है ना। चले, दिल्ली चल रही है, हेमू दिल्ली जा रही है ना। सबको बाय कर दो, पीछे ठीक। हमें छोड़ने आए नीचे, तो ये विदाई चल रही है। बहुत हम निकल चुके हैं और कैब में हैं। ये भाई मुफ्त चाचे पर है, कैब वाले भैया बहुत मस्त है। और हम अभी पहुंच गए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन हैदराबाद में, तो यहाँ से हम ट्रेन लेंगे अभी अपने दिल्ली के लिए। ये दक्षिण एक्सप्रेस है हमारी गाड़ी, 23:25 का टाइम है इसका। आ गई है ट्रेन हमारी। अरे हमारा पद्दू कट गया। ये देखो हमारी ट्रेन आने से पहले ही ख़त्म होगी। एक घंटा लेट हो गई ट्रेन अभी से, दो स्टेशन दूर से चल के आ रही है, और एक घंटा अभी लेट, एक घंटा पूरा हो गया यहाँ स्टेशन पे खड़े। फाइनली
12:40 पे आई है ट्रेन। डेढ़ घंटा लेट ट्रेन हमारी आ चुकी है। अभी बज रहे सुबह के 10:45 और हम पहुँचे नागपुर स्टेशन, नागपुर जंक्शन। अभी भी 1 घंटा 8 मिनट लेट चल रही है ट्रेन। सो ये है नागपुर जंक्शन और बहुत ज़्यादा स्टॉपेज हैं इसके, ये दक्षिण एक्सप्रेस के। ये ट्रेन रुकती है तब ये पानी फिल करते हैं पूरा टैंक में, इसमें टॉयलेट वगैरह के लिए। तो ये पीछे पूरा फुल हो रहा है उस ट्रेन में। और ये देखो नागपुर का ब्रिज, अरे वाह, वायर ब्रिज है ये भी। और मेरी बोगी शायद इसके नीचे ही आएगी बिल्कुल, जहाँ खड़ी होगी ट्रेन। ये है नागपुर जंक्शन। अभी ये सिग्नल रेड दिख रहा है, जब गाड़ी निकलेगी यहाँ से तो शायद ग्रीन हो जाएगा। तो ये गाड़ी रुकी है तो देखो इसमें भी पानी का पाइप लगा दिए ताकि टैंक फुल हो जाए वाटर के। सो अभी ले लिया समोसा, क्योंकि यहाँ कुछ और तो मिल नहीं रहा था तो मैंने समोसा ही ले लिया था खाने के लिए। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ तो चाहिए। ये टाइम पास चल रहा है मेरा, आकाश का और उधर विवेक भाई का। देखो चेस चल रहा है और हमारा सफ़र हो गया है। रुक जाना, आप पहुँच गए। अभी बजने को 2, आधा सफ़र हो गया है। आधे 140 की हार में कैसे गया पट्टे? 70 और 70 कटे गए। ये देखो मेरे पे पैसे चढ़ा दिए, यहीं बिजनेस करेगा ये टाली बैठा बैठा। क्योंकि इसका इंस्टीट्यूट तो मैंने बंद करवा रखा है चक्कर में, अब ये मुझसे कमा रहा है पैसे। पैसा आना जी, पैसा आना जी। उधर देखो भाई साहब का राजा फंसा हुआ है, राजा तो इसका वजीर भी फंसा हुआ है। ये तेलंगा से है भाई साहब, तेलंगा पुलिस से ही हमारे यहाँ सीट के बराबर में बैठे थे, उनके साथ वो खेल रहे। तो अभी पहुँच गए इटारसी जंक्शन, 3:30। अभी खाना ऑर्डर किया, तो लंच मंगाया हमने बाहर से रेस्टोरेंट से, पहले ही ऑर्डर कर दिया था इटारसी आने से पहले ही। तो अभी लंच हमारा आ गया, तो देखिए क्या है। तो ये थाली है, थाली में है अपना चावल और रोटी है, या सलाद भी है और प्लस मिठाई भी दी है। देखो लास्ट में मिठाई भी दी है खाने के लिए। तो ये आज हमने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, देखिए कैसा टेस्ट है। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और हम पहुँचे झांसी जंक्शन पे। सुबह 4 बजे तक ये दिल्ली पहुंचाएगी हमें ट्रेन, बड़ा ढीला चल रहा है काम। चलो देखो कितनी लेट होगी, अभी तो 1.25 घंटा लेट बता रही है ट्रेन। टाइम पे पहुंच जाए तो अच्छी बात है। अभी पहुंच गया मथुरा जंक्शन और अभी बज रहे सुबह के करीब 2:30। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 और हम पहुँच गए फरीदाबाद। और यहाँ से बस 30 मिनट का सफ़र हो रहता है और फिर हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे निज़ामुद्दीन, दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। ट्रेन की आ गई है सीधी और मैं चढ़ गया हूँ ट्रेन में। तो ये है फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन जहाँ से ट्रेन निकल रही है। और ये सुबह सुबह का मौसम देखो, बिल्कुल खाली रेलवे स्टेशन। फाइनली पहुँच गए दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन और भाई अब जा रहे हैं दूसरी कैब से, हम जाएंगे दूसरी कैसे। तो अलविदा कर रहे हैं भाई को, मतलब दोबारा मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे जल्दी जल्दी ही, जल्दी मिलते हैं फिर। ओके बाय। फाइनली रीच होम और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, तो 6 बजे घर पहुँचे। परसों बैठे थे रात को ट्रेन में, आज सुबह पहुँचे हैं। तो पूरा 29-30 घंटे का सफ़र रहा, पूरा थक गया हूँ। नहाऊँगा धोऊँगा थोड़ा सा, खाना वाना खा के फिर सो जाऊँगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा अपने और अपने परिवार का। सो टिल देन बाय।